पूरा हड़बड़ हड़बड़ ऐसे वैसे होने लगा, सब मम्मी पापा पूरा चलाने लगा, हम तो इधर उधर 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 छड़पने लगे है नी, और बाकी लोग बैठा हुआ, मेरा वाला गाड़ी मारे ने मालगाड़ी में, तो हम लोग को एक पलटा नहीं मार, यहाँ से मैं 5 बोगी डायरेक्ट पलटा गया जनरल बोगी, बोला ट्रेन आए बंगलौर से आए वो उधर से ठोका, उसके बाद दूसरा पलटा नहीं होगा, उसके बाद से 3 लोगों को निकाले, बाकी लोग उसमें से, बाकी लोग तो हम देखे नहीं किए कि मेरा आदमी है, पैर जना रहा था किसी और का, और निकालेंगे किसी और का। अभी भी उड़ीसा में आपके साथी लोग कितने लोग वहाँ पे फंसे? पूरा सीट पर लता के पूरा गिर गया। मेरा लड़की के शादी होने वाला है, इसलिए भेजे बेटा के इलाज के लिए। कहाँ से पैसा आ रहा है? सूद पर लाए 10 रुपया सैकड़ा। ये बताइए, गांव के लोग जो है कि जा रहे हैं, चोट लग जा रहा है, सरकार कुछ मदद कर रही है? पूरी तरीके से क्रिटिकल स्थिति है, माथे पे भी चोट है, ऑक्सीजन पे ये जीवित है, बालासोर में भर्ती है बाबू? जी हाँ, बालासोर। अच्छा ये बताओ, वहाँ पे बताया जा रहा है कि इलाज सही से हो रहा है कि? पूरी तरीके से जो है कि टूट चुका है और इसको प्लास्टर किया गया। आपके घर में तो अब कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं हमको। अभी हम लोग नवादा जिले के रोह प्रखंड के मड़रा गांव में मौजूद हैं और यहां से एक साथ 7 लोगों कमाने के लिए जो है कि साउथ के राज्यों में जा रहे थे और उन लोगों का जो है कि नसीब खराब था, संजोग खराब था। बालासोर ट्रेन हादसे में एक व्यक्ति की इस गांव की मौत हो चुकी है और बाकी जो 6 लोग हैं उनमें एक ये भाई साहब जो बगल के कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, ये जो है कि हालांकि पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, ये भी जो है कि इनका स्थिति सही नहीं है, और बाकी जो 5 लोग हैं वहीं पर जो है कि उड़ीसा में भर्ती हैं और एक एक करके सबका इलाज चल रहा है। लेकिन कैमरे के पीछे बताया गया कि जिनका भी इलाज चल रहा है पूरी तरीके से वहां पे लापरवाही की जा रही है, किसी का सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। ये भाई साहब उस ट्रेन में मौजूद थे और इन्होंने आंखों से वो घटना होते हुए देखा है, ये पूरी घटना बताएंगे कि कैसे वो घटना हुआ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार है सर। कन्हैया, कितने लोग आप लोग जा रहे थे कमाने? यहाँ से निकले थे 1 तारीख के निकले थे, हम लोग के 7 आदमी थे जी, अब सब यहाँ से लेके यहाँ पे मगल बगल के मेरे मतलब सभी लोग एक ही गांव के थे, एक ही गांव के। उसके बाद से 1 तारीख को निकले, क्या हुआ उसके बाद? 1 तारीख के निकले यहाँ से, यहाँ बड़ा बड़ा बैठे ट्रेन बैठे, इसी टाइम में ट्रेन बैठे थे हम लोग, इसी टाइम में बैठे थे और 7:30 होते होते एक घटना अचानक से हो गई, मतलब शाम को 7 बजे के आसपास ही घटना हुआ, आसपास में घटना हो गया। तो आप जब बैठे थे ट्रेन में तो आपको कुछ महसूस नहीं हुआ उसके पहले? उससे पहले मतलब पहले तो लाइन उतरा, पहले तो हम लोग का पटरी उतर गया ट्रेन से, पूरा हड़बड़ ऐसे वैसे होने लगा, सब मम्मी पापा पूरा चलाने लगा, हम तो इधर उधर 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 छड़पने लगे है नी, और बाकी लोग बैठा हुआ था, तो हम थतपत में इसलिए लोग क्या बोल के तुम लोग खड़ा हो जाओ, अरे जैसा हम बैठा उससे बैठा रहो, हम ऐसे बोले 2 बार हम इधर उधर छड़पने लगे, और माल ये गाड़ी तो फिर मालगाड़ी बस से जा रहा था, और मेरा वाला गाड़ी मारे ने मालगाड़ी में, तो हम लोग को एक पलटा नहीं मारे, मतलब आपकी जब गाड़ी की टोकर लगी जो है कि मालगाड़ी से तो पलट गया आपका? मैं गाड़ी यहाँ से मैं 5 बोगी डायरेक्ट पलटा गया जनरल बोगी, तो हम लोग तो निकालने में कोई अकबाकी नहीं, पूरा अकबाकी लग रहा है निकालने के लिए। मतलब जब ट्रेन पलटी खा गया तो आप लोग उस समय आपकी सांसें और चल रही थी और आप लोग होश में थे उस समय? हम लोग सब होश में थे, 1-2 सीट किसी पर लगा हुआ झाट पर, फर्स्ट बार में हमको भी हमके भी लगा, फर्स्ट बार स्लीपर से लगाए झाट पर लगा, हम पूरा फूट गए। उसके बाद तो वो बोला ट्रेन आए बंगलौर से आए वो उधर से ठोका, उसके बाद दूसरा पलटा नहीं होगा, पूरा रात बर्द हो गया हम लोग का ट्रेन। उसके बाद से जब ठोकर लगी और आप लोग जब ट्रेन से निकले तो क्या देखा वहाँ पे? हम तो उधर से मारा तो हम तो डायरेक्ट फेंका गए से बाहर निकल गए, ऊपर लटका हुआ तो डायरेक्ट मार रहे थे फेंका गए, एक दो मतलब आप लोग को 2 ठोकर लगी? हाँ 2 ठोकर लगा, 2 पलटा नहीं हुआ, फेंका गए। उसके बाद हम निकले तो एक आदमी को हम निकाले, मुकेश को निकाले, उसका देखे पैर तो पूरा कटा हुआ था, मेरा यहाँ पर से पूरा मांस निकला हुआ था आपका? हाँ। वो कैसे? वो कुछ हल गया था उसमें, अंदर चला गया था सर, रड जो होता है ना खिड़की के हाथ में, हाँ यहाँ पर हड्डी में लगा था, उसके बाद ऐसे हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर तो पूरा ऐसे आंगुली निकाल ढुका के देखे थे, इतना घाट दिमागे होश हो। उसके बाद से उस स्थिति में भी आप लोगों को बचा रहे थे? हाँ। आपको भी चोट लगा था लेकिन आपने चोट का परवाह नहीं किए? 3 आदमी निकाले थे और बाकी 3 आदमी तो पूरा सीट करे 5-6 सीट से पूरा चपा हुआ था, सीट टूट गया था सर, सीट पूरा चूट रात बंद हो गया, और ट्रेन जो है ऐसा है। तो उसके बाद से 3 लोगों को निकाले, बाकी लोग उसमें से? बाकी लोग तो हम देखे नहीं किए कि मेरा आदमी है, पैर जना रहा था किसी और का, निकालेंगे किसी और का, तो हमके भी अथी हुए, हम तो यही साल में पूरा निकाले 3 आदमी को। उसके बाद हम एक लड़का वो साइड से ट्रेन को साइड से बुलाया, इसे
भाई इधर आ जाओ, एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, इधर आ जाओ। तो ये लोग तो निकाल दिए तीन आदमी को, फिर हम दौड़ के उधर गए। उसके बाद थोड़ा हमको कम चोट था, उसमें सही थे। और लहाज तो फिर देखे तो इतना मरा हुआ था, कुछ कहे कि नहीं, पूरा मतलब बॉडी का बॉडी पड़ा, बॉडी का बॉडी पूरा पूरा चीख पुकार वहाँ पे मची होगी। अच्छा ये बताइए, आप लोग कमाने के लिए जा कहाँ रहे थे? जा रहे थे यहाँ से चेन्नई जा रहे थे। टोटल सात लोग जा रहे हैं? हम सात लोग। तो आप लोग को यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है? यहाँ पर रोजगार कुछ नहीं मिलता सर, यहाँ पर अगर मिलते तो हम यहीं पर कमाते खाते हैं। जा रहे थे, मेरे बहन का शादी था परसों, इसी कारण थोड़ा लड़का बोला तिलक, आजकल तो तिलक बोला थोड़ा ज्यादा मांगते लड़का लोग, इस कारण हम जा रहे हैं। तो हम सात लोग, इसका भी लड़की का भी परसों होगा शादी, मतलब अपनी बहन का शादी कराने के लिए पैसा कमाने जा रहे थे। अच्छा ये बताइए कि आप लोग चेन्नई में कौन सा काम करने के लिए जा रहे हैं? प्लेट मेहनते थे, जो काम मिलता था उसे काम करते, जो भी काम मिलेगा कर लेंगे, करते थे। हम लोग पढ़ा नहीं लिखा है सर, तब जो काम मिलेगा उसी ने। आप लोग जाएगा तो बोलिएगा कि हमको कंप्यूटर चाहिए, इतना तनख्वाह चाहिए, तब हमको नौकरी पर रहेंगे, नहीं तो हमको हम दूसरा जगह ट्रांसफर कर देंगे। आप लोग ऐसे बोलेगा, हम लोग को जो काम मिलेगा झाड़ू पोछा बाथरूम तथरूम उसी में निपट लेते, मतलब कोई शौक वहाँ पे नहीं रहता, कोई शौक नहीं। जैसे यहाँ पर ऐसी रात यहाँ पैड था फुल पैड में काफी काल, इसी तरह से वहीं भी रहते काम से बचे। अच्छा ये बताइए, अभी भी उड़ीसा में आपके साथी लोग कितने लोग वहाँ पे फंसे? वहाँ पर मेरे तो साथी लोग पांच आदमी होगा अभी वहाँ पे फंसे हैं लोग। इलाज चल रहा है उन लोग? इलाज चल रहा है, अभी तो फोटो दिखाया होगा। तो क्या लग रहा है उन लोगों का स्थिति, कैसा लग रहा है, बच जाएंगे की नहीं? लग रहा है पूरा सबके बहुत बेहतरीन लग रहा है, हम तो देख के थोड़ा थोड़ा अच्छी जाते हूँ। मतलब अभी ठीक है पहले से? पहले थोड़ा काम, अभी थोड़ा ठीक होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। पता नहीं क्या आगे चल के यहाँ आते, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जाते। एक तो हम भी यहाँ गए थे पापुरी तो। अच्छा ये बताइए, सरकार कह रही है कि जो मरे हुए हैं उनको पैसा दिया जाएगा, तो वहाँ पे पैसा मिल रहा है? जो लोगों को चोट लगा है उनको इलाज कराने के लिए पैसा भी दिया था, आपको कुछ पैसा मिला है? हमको पैसा वैसा कुछ नहीं दिया। तो पैसा आप इलाज करा रहे हैं कि नहीं? हम इलाज कराए, हम यहाँ से लंदा पापुरी तो अपना 900 रुपया दिए, तो अपना माथा क्या थी सीटी स्कैन। मतलब सीटी स्कैन आप अपने पैसे से कराए पावापुरी जा करके? हाँ अपने पैसे से। ये थोड़ा हाथ दिखाइए इधर, ये हाथ देखेंगे तो हाथ जो है कि पूरी तरीके से इसमें सरिया जो है कि खिड़की का जो सरिया होता है इसमें घुस चुका था, और उसके बाद से जैसे तैसे अपने आप को ये संभाले, उसके बाद से उसमें से सरिया को निकाल करके, और उसके बाद से इस स्थिति में भी अपने दोस्तों को निकालना नहीं भूले, जितना इनसे हो सका उनको निकाले। अच्छा आपके जो एक और मित्र थे जिनका मौत हुआ है, आपको कब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है? हमको खाली हम सबके रात में देखे थे, हमको इतना स्थिति था कि वो मतलब कि 12-12 8-9 घंटा में वो चला जाएगा, इतना स्थिति भी उसका खराब था। मतलब जैसे बैलेंस थे ना सर, मतलब इतना ओपन हो गया था माथा, हाँ माथा फट चुका था, पूरा ओपन है, इधर पूरा फट गया, इधर फट गया, और पैर तो यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, मतलब पूरा शरीर जो है कि बर्बाद हो चुका था। पूरा ऐसे जैसे बैठे ना तो पूरा सीट पर लत लटा के पूरा गिर गया, और आदमी लोग पूरा उछल कूदल रहा तो उसी पर लात बजड़ा रहा पापू। आप अभी ठीक है ना, आपका स्थिति सही है कि नहीं? हमको तो अभी थोड़ा गड़बड़ थोड़ा लगता है, हम क्या करें, फोकते हैं तो पेट में पूरा शरीर में दर्द होता, बैठते हैं तो अभी शरीर में आपका दागी भी है क्या? हाँ पूरा मतलब शरीर में जो है कि चिन्ह लगा है। हाँ चिन्ह लगा, ज्यादा चोट आपको भी लगा है? हाँ बहुत चोट लगे, फेंका गया, दो बार पलटी भी मारते, हम लोग का आदमी तो पूरा हमसे भी ज्यादा घटिया है। क्या कहें आपको ये भाई साहब जो है कि, आपका उम्र कितना है? मेरा होगा 20 साल। पढ़ाई नहीं किए हैं? पढ़ाई किए। तो पढ़ाई क्यों नहीं करते आप लोग? पढ़ाई क्योंकि घर पर रोजगारी नहीं, तो पढ़ाई क्या करें हम लोग, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं। तो जितना उम्र है उसी उम्र में आप लोग कमाने निकल जाते, कमाने निकल जाते, और यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग वही काम करते हैं। देख आप तो देखते भी रह रहे, देख भी आ रहे। इनकी माता जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे, हालांकि अपने बेटे का दर्द ये भी बताएंगे। कितने लड़के हैं आपके? दो लड़का दो लड़की। तो ये बड़े लड़के हैं आपके? हाँ बड़े लड़के हैं। तो ये बताइए आप कहाँ भेजी थी कमाने के लिए? चेन्नई सर। चेन्नई? चेन्नई। तो आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि इतना बड़ा घटना हो सकता है? की पता है सर कि भेजेंगी तो ये घटना हो जाएगा, की पता है, मेरा लड़की के शादी होने वाला है इसलिए भेजे बेटा के, कि जाओ कुछ कमाएगा तो कुछ सहारा होगा बेटी के, पैसा कमाएगा शादी, कमाएगा शादी के, बिन तिलक के कौन शादी करता है, गरीब रहो चाहे अमीर रहो, देना है तो देना है, देना है। अच्छा इसलिए भेजे, कमाना तो दूर, अब देख रहे हैं कि जो घर पे होगा चाहे ब्याज पे लेकर के आप लोग लगा रहे होंगे अभी? हाँ शादी लगा रहे हैं,
इलाज के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है? सूद पर लाए हैं, 10 रुपया सैकड़ा सूद पर, ब्याज पे पैसा, ब्याज पर पैसा लाए हैं। तब पापा पूरी ले गई है इसके दिखाने के लिए। तो डॉक्टर क्या बोला है, वहाँ पे पैसा लग रहा है ज्यादा? हाँ, डॉक्टर वही बोला है, डीएम फोन किया है, डीएम फोन किया है, डॉक्टर के मोबाइल दिया। हाँ। कोई डॉक्टर नहीं लिया मोबाइल। हाँ। भाई उस तर जाओ, इस तर जाओ, उस तर जाओ, इसे गुमराह कर रहा था। हाँ, इसे गुमराह कर रहा था। पॉकेट में पैसा रहा था, दिया, ऐसे किया। तो अभी ब्याज पे पैसा लेकर के इलाज? हाँ, 10 रुपया सैकड़ा लेके हम दिखाने गए। और फिर पैसा कहाँ से भराएगा? तब कर्जा ले लिए तो कहाँ से भराएगा? कहाँ से भराएंगे, कमाएंगे, कमाए जाएगा नहीं, भटवा जाएंगी तो उसका कर्जा देंगी। हम लोग भट्ठा जाते थे सर, चिमनी में मिट्टी ईंट पका। हाँ, ईटा पारने के लिए। आप लोग भी काम करते? हाँ, वही काम करते हैं। तो फिर अब तो आप नहीं जाने देंगे हमको लग रहा है? अब कैसे जाएगा सर, जाता है तो घटना हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे नौकरी वोकरी कुछ काम धंधा? कुछ नहीं है हम लोग के, कुछ नहीं है काम धंधा। काम धंधा रहता तो बाहर बेटा के भेजते सर। एक और दादी है, ये बताइए, गांव के लोग जो है कि जा रहे हैं, चोट लग जा रहा है, सरकार कुछ मदद कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही है। नहीं। सरकार तो करे कि हम पैसा देंगे, मदद करेंगे, केवल मरा है उसका पैसा मिल रहा है, इसको तो कुछ मिला ही नहीं। नहीं मिला। इसका पिताजी है? इसका पिताजी ये भर्ती है वहाँ पे? ये थोड़ा फोटो दिखाइए सर, ये फोटो देखेंगे तो अब मैं आपको क्या बताऊँ। पूरी तरीके से जो स्थिति है, पूरी तरीके से क्रिटिकल स्थिति है, माथे पे भी चोट है, ऑक्सीजन पे ये जीवित है, और इस बच्ची के पिताजी जो है और ये भी भर्ती हैं, और मैं आपको फोटो जो है वो दिखा रहा हूँ। पूरी तरीके से ये भर्ती है हॉस्पिटल में, और वहीं के हॉस्पिटल में भर्ती, बालासोर में ही भर्ती है बाबू? जी हाँ, बालासोर। अच्छा, ये बताओ वहाँ पे बताया जा रहा है कि इलाज सही से हो रहा है कि नहीं? हम तो वहाँ पे कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा हम देख रहे हैं थोड़ा। मतलब जो लोग गए थे वो लोग क्या बताए हैं? वो लोग तो बता रहा है हल्का फल्का भी ठीक है, पहले से मतलब थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ, जरूर ठीक है। तो वहाँ पे जो इलाज का पैसा लग रहा है वो सरकार लगा रही है कि यहाँ से पैसा गया था? नहीं, सरकार लगा रही है। सरकार लगा रही है। अच्छा, आप लोग क्या चाहती है, वहीं पे इलाज हो कि उनको कहीं अच्छे जगह भर्ती कराना चाहिए? नहीं, अच्छे जगह करवाइए। अच्छे जगह भर्ती हो जाएंगे तो पापा बच जाएंगे, और यहाँ आएगा तो क्या सरकार पैसा नहीं लेगा? यहाँ आएगा तो फिर आपको किराया तो मंगाना पड़ेगा ना लगा? अभी वहाँ पर रहने दीजिए, वहीं पे मतलब आप लोग चाहते हैं अच्छे से इलाज हो। बताइए, मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्ची है, इनके पिताजी का भी जो स्थिति है पूरी तरीके से जो है कि क्रिटिकल स्थिति में है, इनके पास पैसा नहीं है कि अपने पापा को जो है कि यहाँ पे मंगा करके इलाज कराए। पूरी तरीके से गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं लोग, और इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि एम्बुलेंस में जो है कि 11 रुपया पर किलोमीटर जोड़ करके दे करके और 40-45 रुपये किराया लगा करके यहाँ पे मंगाया जाए, उसके बाद से यहाँ पे इलाज कराया जाए। एक और ये फोटो देखिए, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, अरे ओ माई गॉड, ये पूरी तरीके से देखिए, पूरी तरीके से जो दोनों पैर है, अब ये तो पूरी तरीके से हमको जहाँ तक लग रहा है बेकार हो गया होगा, ये तो उतना कामयाब नहीं होगा अब ये पैर, हमको लग रहा है बैठिए जाएंगे, अब अगर बच भी जाएंगे तो बैठते रहेंगे। अभी पूरा टूट गया सर, क्या काम करेगा? भाजा भट्टा जाते तो भी नहीं काम, भट्टा भी नहीं करते, इनसे मैदान करने में भी दिक्कत, मतलब पूरा चीज का परेशानी हो गया। अच्छा, ये भी अभी वहीं पर भर्ती है? हाँ, वहीं पर भर्ती है, इसी जगह बालासोर में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम जिस गांव में पहुंचे हुए, यहां से 7 लोग जा रहे थे कमाने के लिए, और 5 लोगों का जो कि स्थिति है वो क्रिटिकल स्थिति में जो कि बने हुए हैं, और मेरा मकसद ये था कि इस गांव में पहुंच करके और इस गांव के लोगों को क्या मदद मिला, और गांव के लोग अभी किस स्थिति में जी रहे हैं, उस चीज़ को कैमरे के सामने ला करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और बिहार सरकार जो है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, कुछ जो है कि यहाँ के लोगों को मदद नहीं कर रही है, जो भी मदद मिल रहा है रेलवे के द्वारा मिल रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अपने बिहार सरकार के मंत्री नेताओं के पास इस वीडियो को पहुँचाया जा सके, और वो लोग भी थोड़ा एक मुहिम चलाए कि जो लोग इसमें चोटिल है, जो लोग घायल है, या फिर जो लोग मृत हैं, उन परिवार को जो है कि कुछ मुआवजा दिया जाए, ताकि उस परिवार के लोगों का जो है कि अच्छे से इलाज कराया जाए, ताकि आने वाले समय में कमा करके अपने घर परिवार का गुजारा चला सके। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम राजेश माझी, और ये जो दोनों पैर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से जो है कि टूट चुका है, और इसको प्लास्टर किया गया है। प्लास्टर करने के बाद हमको नहीं लगता है पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाएंगे, अगर ये ठीक भी हो जाते हैं तो पूरी तरीके से जो दोनों पैर है वो जो है कि कामयाब नहीं रहेगा। उनकी पत्नी हमारे
हमारे साथ है और बताया जा रहा है कि इनके मम्मी पापा अब नहीं है, हालांकि इनकी पत्नी है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग का गुजारा कैसे होगा ये काफी बड़ी बात है। आपके घर में तो अब कमाने वाला कोई नहीं, कोई है? नहीं हमको है, यही कमाने वाले ये अकेले कमाने वाला है, और तीन गो बच्चा ने कोई नहीं, सास ने ससुर कोई नहीं। दो बच्चा है आपका? तीन बच्चा है, एक यहाँ पे ये छोटा बच्चा आपका है और एक इधर है, ये एक दो और एक तीन, तीन बच्चे हैं और एक इनकी पत्नी है। अच्छा ये बताइए क्या चोट लगा है उनको, बताया गया है? उसको दोनों मेरा टूट गया है, पैर दोनों तरीके से टूट गया, दोनों पैर टूट गया है। तो क्या क्यों खिलाएगा हमको अब, कमाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है हमको कमाने वाला कोई भी, तो अब तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होएगा ना, हमको रोजगार देगा कुछ तो सरकार से मिलेगा। अच्छा यहाँ पे कोई मंत्री नेता विधायक कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया था? आया था नहीं, लेकिन आपको कुछ मदद नहीं, नहीं मदद किए हैं, कुछ नहीं मदद किए, ऐसे आए देख करके चले गए, देख के चले गए हैं, मदद नहीं किया, खरीद के इसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है कि भेदभाव किया जा रहा है। अरे भाई जो मृतक है ठीक है, उनकी जान चली गई, उनके परिवार वालों को मुआवजा दे रहे हैं, अपने स्तर से जितना हो पा रहा है आप लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो लोग चोटिल हैं सोचिए उन लोगों का स्थिति उससे भी बदतर हो गया, क्योंकि वो लोग अब कमा नहीं पाएंगे।